हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। और क्या पढ़ने वाले हैं आज, हम देखने वाले हैं एक्सएस 2.3 से पहले जो एग्जांपल नंबर 14 है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है आपको एग्जांपल नंबर 14। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन आर इज टू आर डिफाइंड बाय फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है, एक्स का क्यूब है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। आर मतलब आपको पता है रियल नंबर, पता ही है आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही सब चीज। तो हम एक्स की जो वैल्यूज है वो क्या क्या चूज कर सकते हैं, पहले हम एक काम करते हैं जीरो लेके देख लेते हैं। ठीक है, हमें तो एक्चुअल में प्लॉट करना है ग्राफ को। ठीक है, तो हमें जो है इसके पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं जनाब। तो ये हमने इनपुट दिया और ये हमारा आउटपुट आ गया, मतलब डोमेन और रेंज। अभी यहाँ की लैंग्वेज हम क्या बात करेंगे, इसको डोमेन और रेंज आइए। ठीक है, तो क्या निकल के आया, जीरो। क्या दिया था आपने, जीरो जीरो बना आपके पास। ठीक है, फिर हम दे लेते हैं वन, देख देखते हैं वन का क्यूब कितना हो जाएगा, वन। यहाँ पर भी वन वन। अब हम माइनस वन ले लेते हैं, तो माइनस वन का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो यहाँ पर ही माइनस वन आ रहा है। अब हम ले लेते हैं यहाँ टू लेके देखते हैं, तो टू का कितना आ रहा है, क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। तो ये टू और एट, ये समझ रहे हो, ये आपका क्या है डोमेन है और ये आपका क्या है रेंज है। अब हम बात कर लेते हैं माइनस टू लेके, तो माइनस टू का क्यूब कितना आ जाएगा, एट। अब तो देखो मेरी बात सुनो, तो ये भी माइनस का होगा ना यार, है ना, ये भी माइनस का होगा। देखो ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ आपको पता है, जैसे कि ये आपका ग्राफ हुआ, ये आपका एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई, ये आपका वाई डैश। इसमें फंक्शन क्या बन रहा है आपके पास, एक्स और एक्स क्यूब, जहां पे एक्स बिलोंग किसको कर रहा है। ये समझ में आ गया ना आपको, हम एक्स में डोमेन रख रहे हैं और एक्स क्यूब हमारा रेंज निकल के आ रहा है। जैसे ये आपका जीरो पॉइंट है, फिर आपके पास वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। यहाँ देखो आप वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये हुआ सिक्स, ये हुआ सेवन, ये हुआ एट। थोड़ा देख लेना यहाँ आपको ना, यहाँ नीचे आ जाओ आप, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन और माइनस एट। यहाँ चलेंगे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन और एक माइनस एट हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से इसको जो है अपनी ग्राफ बुक में प्लॉट करके देखना, वहां आपको और अच्छे समझ में आएगा। या मेथड समझ लो आप कि कैसे कैसे आपको प्लॉटिंग करनी है, उसके बाद आप उसमें जरूर करके देखना। ये आपका जीरो हो गया ओरिजिन पे, फिर वन वन की बात करूं तो कुछ इस जगह आएगा ये। ठीक है, फिर मैं माइनस वन की बात करूं तो कुछ इस जगह आएगा, फिर मैं टू और एट की बात करूं तो ये टू है और ये हम एट की और यहाँ मर जाएंगे कुछ इस जगह पर। ठीक है, फिर माइनस टू है और फिर एट है तो कुछ हम इस जगह आएंगे, कुछ समझ में आ रहा है। अब जब प्लॉट करेंगे इसको हम, तो कैसे जाएगा ये देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ भी है, कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर हुआ, ये हमने जब बेसिक डिस्कस किया था ना इसका, इस तरीके से जैसे आइडेंटिटीज जो थी उनके बारे में जब हमने बेसिक डिस्कस किया था, हमने ग्राफ पढ़ा था कि वहां किस किस के लिए कौन कौन से ग्राफ बनाए जाते हैं, वो वाला वीडियो देख लेना आप, है ना। आपको नीचे जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा उस तरीके का वीडियो कि ग्राफ जो है कहाँ कौन सा ग्राफ होगा। आपको वैसे पहले से पता लग जाएगा कि ये वाला जो फंक्शन है इसके लिए ये वाला ग्राफ ही बनेगा। ठीक है, और हमने बना के देख लिया यहाँ तक, ओके है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर चेकआउट करना पूरा चैप्टर, और इससे पहले वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर वन, अगर उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, वहां आपको सारे के सारे वीडियो जो है लाइन से मिल जाएंगे। वहां आपको बेसिक, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, मिसलेनियस सब कुछ लाइन वाइज मिल जाएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।